पश्चिम बंगाल के रानीगंज स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने लूट की कार समेत लूटे गए कुछ जेवरात और कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के गोपालगंज का रहने वाला सूरज कुमार है। गिरिडीह पुलिस की टीम द्वारा पकड़े गए अपराधी से पूछताछ के बाद बंगाल के आसनसोल से गिरिडीह पहुंचे एसडीपीओ विश्वजीत और उनकी टीम पकड़े गए अपराधी को अपने साथ ले गए। इस संबंध में बताया गया कि रानीगंज स्थित स्वर्ण आभूषण के शोरूम से 7 अपराधी लूटकांड और गोलीबारी कर फरार हो गए। भागने के क्रम में अपराधियों ने रास्ते में एक कार सवार को गोली मारकर उसकी कार लूट ली। लूटे गए कार को लेकर अपराधी जीटी रोड के रास्ते बिहार भाग रहे थे। इसी दौरान गिरिडीह जिला के सीमा में प्रवेश करने के बाद एक अपराधी को दबोचा गया। उधर बुला रहे हैं, हम तैयारी करने जा रहे हैं। ये श्रीपुर आईसी आसछे, ये देखे गेले जाए तो देखो एखन थेके সবাই মিলে ফায়ার করছে স্যার, লেগেই যেতে পারতো মহিনাদের সব একধারের থেকে এসে ফায়ার করছে। ওইটুকু গার্ড করে ওই তো ওই কোমরে এই তো লেগে গেছে, কোমরে এই যে ব্লাড রয়েছে কোমরে লেগে গেছে। সালা বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা মোটর সাইকেলে 3 জন উঠলো। हमें सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के माध्यम से कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा लूट की घटना हुई है, जिसमें एक अपराधी को भी गोली लगा है और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगा है। सूचना के अवलोकन में हमने जो है यहाँ पर छापामारी किया था जीटी रोड में, और फिर वहाँ छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है, और बाकी जो अपराधी है उनको हम लोग सघन जो है वो छापामारी कर रहे हैं। और अभी जो है हजारीबाग से भी डॉग स्क्वाड आके वो भी छापामारी में हम लोग का हेल्प कर रहा था। अभी और अदर एंगल्स पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल्स बचे हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं, और जैसे भी होगा उस पर इनपुट देंगे। कुछ पता चल पाया है कितने की लूट कर दिया है? स्पेशली ये लूट बंगाल में हुआ है, इसके बारे में विशेष डिटेल वहाँ बंगाल पुलिस से दे पाएंगे आपको। कितने अपराधी सर भागने में यहाँ से फिर भाग के? जो पकड़ाया उसके हिसाब से इसके साथ में ये लोग कुल 4 अभी थे, और बाकी और अपराधी थे जो इनके और ट्रेस जो है वो अभी नहीं लगा है कहाँ पर है। कितने को पकड़ने में सफलता मिली? अभी हम लोग कुल 1 अपराधी उनके साथ में जो लूट में लूटा हुआ जो उनका वाहन है जो बंगाल से रानीगंज से जो यहाँ ये अपना सीवान की तरफ या गोपालगंज की तरफ आने के लिए यूज कर रहे थे वो वाहन वो भी लूटा हुआ था, उसे हमने पकड़ लिया है। और एक अपराधी उसके साथ कुछ हम जो गहने थे लूट के गहने थे और कुछ कारतूस वगैरह भी है वो हमने रिकवर किया है।